हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कूल कंटेंट बॉक्स चैनल। दोस्तों, आज मैं आप लोगों को 5 रुपये डेफिनेट अलग अलग मटेरियल्स में, मतलब कॉपर निकल, निकल ब्रास, फेरेटिक स्टेनलेस स्टील, ये 3 मटेरियल में अलग अलग समय में जारी किया गया सिक्काओं का नकली सिक्का, मतलब फेक सिक्का कैसे पहचानना है, मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ। आजकल ऐसा फेक सिक्का बहुत आ रहा है दोस्तों। ये सिक्का मुझे जनरल सर्कुलेशन से मुझे मिला है, आपको दिखाने के लिए मैं ये वीडियो बनाया दोस्तों। और ये सिक्का देखिए, ये निकल ब्रास का फेक सिक्का दिखा रहा हूँ अभी, ध्यान से देखिए। ये दो सिक्का देखिए, 2018 में हमको राइट साइड पड़ा हुआ सिक्का असली है और लेफ्ट साइड पड़ा हुआ 17 का सिक्का निकली है दोस्तों, पूरा की पूरा। और रुपीस सिंबल से हमको जारी किया गया ये डाइस, सिर्फ निकल ब्रास में ही जारी किया गया है सिक्का। और लेफ्ट साइड फेक सिक्का देखने से हमको स्टेनलेस स्टील जैसा नजर आ रहा है, फेरेटिक स्टेनलेस स्टील सिक्का जैसा। ज्यादा लोग सोचता है एक एरर होगा या फिर अलग डायवर्टी होगा सोचता है, पर बिल्कुल नहीं दोस्तों, ये 100% फेक सिक्का है, देख सकते हैं लेफ्ट साइड सिक्का। मैं अभी क्लियरली एक्सप्लेन करता हूँ। और कभी भी हमको फेरेटिक स्टेनलेस स्टील में जारी किया सिक्का फॉर 5 रुपीज डेफिनेटिव सिक्का का डाइस से तो बिल्कुल जारी नहीं किया, ये बात तो पक्का है। और मैं अभी आप लोगों को क्लियरली दिखाता हूँ। रिवर्स साइड हमको जो डाई है वो रेगुलर डाई जैसे लगने से भी अलग लगता है। और ये सिक्का का एरर पकड़ने के लिए हम एडवर्स साइड से देखने से हमको क्लियरली पकड़ सकता है। और रेगुलर साइड, रेगुलर सिक्का का एडवर्स हम छूने से एक सरफेस में ऊपर आ गया जैसे रहता है इंप्रेशन शुगर लाइन कैपिटल का। और ये फेक सिक्का में अंदर चला गया जैसा नजर आता है। और ये सिक्का हमको आयरन प्लांचेट में स्टील जैसा कोटिंग दिया है, इसलिए लेफ्ट साइड देखने से इनको जंग नजर आता है, मतलब रस्टिंग हो गया आयरन में, चीप क्वालिटी मटेरियल्स इस्तेमाल करने की वजह से रस्टिंग हो गया, ऐसे भी आप पहचान सकते हैं। और अशोक लाइन कैपिटल को देखिए, इंप्रेशन जो है उल्टा जैसा नजर आ रहा है देखने से। और इंडिया भारत के फॉन्ट्स भी अलग है, आप क्लियरली देख सकते हैं। और अशोक लाइन कैपिटल के हेड देखिए और टांगे भी देखिए, 3 लाइंस का टांगे भी बिल्कुल ठीक से बनाया नहीं, आप देख सकते हैं। और नीचे स्तूप में हमको अशोक चक्र और लेफ्ट साइड घोड़ा और राइट साइड बैल भी अलग नजर आ रहे हैं, रेगुलर कॉइन से बिल्कुल मैच नहीं हो रहा दोस्तों। अगर आपके पास ये सिक्का है तो आप लोग रिवर्स से जल्दी पहचान नहीं सकते, तो एडवर्स देखिए, एडवर्स से बहुत आसानी से आप लोग ये सिक्का को पहचान सकता है। और मैं अभी आप लोग को निकल ब्रास सिक्का पहले दिखाया हूँ, अभी कॉपर निकल सिक्का दिखा रहा हूँ 5 रुपये का। ये असली सिक्का है, हमको एडवर्स हमको ऐसा नजर आता है, क्लियरली एक बार देखिए। मैं ये कॉपर निकल सिक्का में आपको 2 फेक नमूना दिखाने वाला हूँ। ये देखिए रिवर्स हमको ऐसा नजर आता है असली सिक्का, ये सिक्का कॉपर निकल का एवर्स हमको ऐसा रहता है। ये सिक्का हम देखा तो कॉपर प्लांचेट में हमको कॉपर निकल जैसा कोट लगाया, इसलिए इंडिया भारत और अशोक लाइन कैपिटल देखने से हमको कलर निकल गया जैसा नजर आ रहा है। मैं अभी पहले से दिखाता हूँ, इसके बाद पॉइंट टू पॉइंट एक्सप्लेन करता हूँ। रिवर्स साइड भी देखिए, हमको बिल्कुल रेगुलर सिक्का का रिवर्स जैसे बिल्कुल मैच नहीं हो रहा है। लोटस देखिए, डिजाइन भी अच्छा नहीं, मतलब ठीक नहीं लग रहा है जैसा रेगुलर सिक्का जैसा नहीं, बिल्कुल देख सकते हैं। थोड़ा सा हमको घबरावट के, मतलब हड़ी बड़ी में देखने से हमको रेगुलर सिक्का जैसे नजर आता है, और बिल्कुल नहीं, एज में रिम भी नहीं, देख सकते हैं रिवर्स साइड हमको क्लियरली नजर आता है। अब मैं आपको पॉइंट टू पॉइंट एक्सप्लेन करता हूँ, ध्यान से देखिए। राइट साइड वाला रेगुलर सिक्का है और लेफ्ट साइड फेक सिक्का है, देख सकते हैं। और रेगुलर सिक्का का हाइट कम है और फेक सिक्का का हाइट ज्यादा है अशोक लाइन कैपिटल का। और फेस भी देख सकता है, 3 लाइंस का हमको शेप्ड होके छोटा नजर आ रहा है, फेक सिक्का में बड़ा और जैसा ठीक से नजर भी नहीं आ रहा है। और अशोक स्तूप में हमको अशोक चक्र और घोड़ा और बैल देख सकता है, फेक में बिल्कुल वो दोनों ठीक से हमको नजर भी नहीं आ रहा है। और टांगे असली सिक्के में हमको टांगे और नाखून भी क्लियरली नजर आता है, फेक सिक्के में बिल्कुल नजर नहीं आ रहा है दोस्तों, क्लियरली देख सकते हैं। ऐसा डिफरेंस से आप ये सिक्का को पकड़ सकते हैं। ये सेकेंड फेक वेराइटी है कॉपर निकल में, देख सकते हैं इसमें भी हाइट में भी बदलाव है। आपको असली सिक्का में हाइट बहुत छोटा नजर आता है अशोक लाइन कैपिटल, और फेक सिक्का में बहुत लंबा है। देखिए ये फेक सिक्का का पिक्चर मुझे हमारा व्यूअर ने शेयर किया कुछ दिन पहले, और हेड भी देख सकता है असली सिक्का में शेप्ड और डिजाइन अच्छा रहता है और ठीक से नजर आता है, फेक सिक्का में बिल्कुल विजिबल नहीं है दोस्तों, नजर भी नहीं आता ठीक से, डिजाइन भी बिल्कुल नहीं रहता ठीक से। और टांगे भी देख सकते हैं असली सिक्का का अशोका लाइन कैपिटल लाइंस का टांगे क्लियरली नजर आता है नाखून से लेके,
और ये फेक सिक्के में हमको मेटल आ गया जैसा नजर आ रहा है, और अशोक स्तूप में जो पड़ा हुआ अशोक चक्र और घोड़ा और बैल को भी देख सकते हैं आप, फेक सिक्कों में बिल्कुल नजर नहीं आ रहे हैं ठीक से। ऐसे भी आप ये डिफरेंस से फेक सिक्कों को पकड़ सकता है, अवॉइड कर सकता है। और मैं अभी आप लोगों को 5 रुपीस फेरेटिक स्टेनलेस स्टील में जारी किया गया 3rd सिक्का दिखा रहा हूँ। ये असली सिक्का है, असली सिक्का हमको ऐसा नजर आता है फेरेटिक स्टेनलेस स्टील में जारी किया गया, और ये सिक्का सिर्फ 2007 और 8 में जारी किया गया। 6 ग्राम वजन और 23 मिलीमीटर्स में रहता है साइज। और रिवर्स हमको ऐसा नजर आता है, असली सिक्का एक बार देखने के बाद देखने से आपको क्लियरली समझ आता है, फेक सिक्का हमको ऐसा नजर आता है दोस्तों फेरेटिक स्टेनलेस स्टील का। और ये सिक्का हमको वेव सिक्का या फिर वैल्यू एंड इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सिक्का कहता है, और ये फेक सिक्का है, एडवर्स और रिवर्स दिखा रहा हूँ। ये सिक्का सबसे ज्यादा जंग होके नजर आता है, रस्ट होके, क्योंकि ये बिल्कुल लो मटेरियल से जारी किया गया फेक सिक्का, इसलिए हमको जल्दी हम ये सिक्का को पहचान सकते हैं। और बाहर सर्कुलेशन में भी ये सिक्का, ये पर्टिकुलर सिक्का का नकल बहुत नजर आता है नकली। अब मैं आप लोगों को रिवर्स साइड कंपेयर करके दिखा रहा हूँ एक बार। राइट साइड असली सिक्का को देखिए, हमको क्लियर विजिबिलिटी से पड़ा है अशोका लाइन कैपिटल भारत और इंडिया, फेक सिक्के में बहुत नजदीक में पड़ा है वो लेटर्स जो है हिंदी में और इंग्लिश में, और अशोका लाइन कैपिटल फेक में बिल्कुल नजर नहीं आ रहा है। दोस्तों ये जानकारी आपको पसंद आए तो जरूर सबको शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना भूल मत जाइए दोस्तों। धन्यवाद।